पर। आजकल डेली सोप्स में 20 ईयर लीप्स आना और लीप के बाद एक्टर्स का शो छोड़ देना आम बात हो गई है, लेकिन ये कहानी कुछ दूसरी है। भाभी के तिलक यानी मनीष ने पहले कह दिया था कि अगर शो 20 ईयर लीप लेगा तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन अब जब लीप की बात पक्की हो गई तो मनीष ने अपना इरादा बदल दिया। सो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। जो मालूम है ये ट्रेंड बन गया अभी 20 साल का, और मेरे लिए पहला रिएक्शन यही था कि मेरे को नहीं करना है, लेकिन जब मैंने सुना रोल के बारे में और अपने किरदार के बारे में तो मैंने डिसाइड किया कि इसको एक चैलेंज की तरह लेता हूँ। जो चीज़ जो कैरेक्टर शायद मैं 15 साल बाद करूँगा वो मुझे अभी करने को मिल रहा है। सीरियल 20 साल आगे बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है तिलक चोपड़ा के किरदार में भी कई बदलाव आए हैं। कैरेक्टर में काफ़ी चेंजेस हैं, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकैलिटी, हेयर स्टाइल, द शेड्स, आई मोर मैच्योर, बॉडी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रेंड हो गया है, बहुत ठहराव आ गया है कैरेक्टर में जो मैंने अभी तक नहीं किया है। मनीष अपने रोल का चुनाव काफी समझदारी से करते हैं और उनके लिए किरदार के अलावा कुछ और मायने रखता ही नहीं। मैं उस एक्टर में से नहीं हूँ जो सिर्फ पैसे के लिए रोल करता है या पैसे के लिए छोड़ देता है। अगर ये रोल कोई भी नया सीरियल शायद मुझे अगर इसे कम दे और रोल बहुत चैलेंजिंग हो तो मैं वो करूँगा, और अगर कोई मुझे बहुत सारे पैसे दे और बोले कि यही सेम रोल है जो आपको मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि काफ़ी सीरियल्स थे जो मुझे सेम टाइप ऑफ रोल ऑफर कर रहे थे एंड ऑनेस्टली उससे ज़्यादा भी पैसा ऑफर कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। आजकल जहां ज्यादातर कलाकार पैसे की दौड़ में कुछ भी करने को तैयार हैं, मनीष का ये बयान काफी अलग लगता है।